आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गिवन अ क्वेश्चन हियर। अ प्रोटॉन मूविंग विद 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, हैज अ सर्टेन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा। एन अल्फा पार्टिकल हैविंग सर्टेन काइनेटिक एनर्जी हैज द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा। वी नीड टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन एंड दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो देखो, यहाँ पर अपन जानते हैं कि जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, एच डिवाइडेड बाई पी होता है, मतलब एच डिवाइडेड बाई एम बी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या दे रखी है कि लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ प्रोटोन। तो इन दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, तो कहने का मतलब एच डिवाइडेड बाई यहाँ पर मास ऑफ अल्फा टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अल्फा है ना, इज इक्वल टू, ये एच एच तो कॉन्स्टेंट है ना, इसलिए मास ऑफ प्रोटोन टाइम्स वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन ये आ जाती है। अब देख सकते हैं अपन कि देखो ये दोनों तो अपनी कैंसिल आउट हो जाएगी, एच से अपना एच कैंसिल आउट हो जाता है ना, तो मतलब एम ए टाइम्स वी ए इज इक्वल टू एम पी टाइम्स वी पी, ठीक है। और अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं अपन कि जो इसका जो मास होता है ना बच्चों, किसका मास, मास अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटोन के मास के 4 times होता है, मतलब ये आ जाता है अपना 4 times ऑफ एम पी टाइम्स वी ए इज इक्वल टू एम पी टाइम्स ऑफ वी पी, ठीक है। तो मतलब एम पी से अपना एम पी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा सिंपल अपने पास, 4 times ऑफ वी ए इज इक्वल टू वी पी। अब आगे देख सकते हैं अपन कि देखो जो वी ए निकलेगा ना अपना, तो वी ए कितना हो जाएगा, 1/4 times ऑफ वी पी, और वी पी मतलब प्रोटोन की वेलोसिटी। तो दे रखा है प्रोटोन मूविंग विद 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इसकी वेलोसिटी मतलब सी होता है ना, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट के 1/10 होती है, मतलब वी ए इज इक्वल टू 1/4 times ऑफ 1/10 ऑफ सी। सी क्या है पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, तो मतलब वी ए की वैल्यू अल्टीमेटली आ जाती है 1/40 times ऑफ सी। नाउ अपन से पूछा क्या है बच्चों, यहाँ पर अपन से पूछा दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो कहने का मतलब पहला ऊपर क्या दे रखा अपन को, प्रोटोन दे रखा है, तो मतलब के ई ऑफ प्रोटोन पी एंड डिवाइडेड बाई के ई ऑफ अल्फा, तो वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आ जाता है हाफ ऑफ मास ऑफ प्रोटोन टाइम्स वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ मास ऑफ अल्फा टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। तो देखो मास ऑफ प्रोटोन यहाँ ये हाफ से तो अपना हाफ कैंसिल आउट हो ही जाएगा, और मास ऑफ प्रोटोन कितना होता है, देखो यहाँ पर होता है अपना, देखा था ना अपने अभी अभी कि मास ऑफ अल्फा कितना होता है, 4 MP होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो एम पी रह देते हैं, डिवाइडेड बाई एम एम अल्फा की जगह 4 times ऑफ एम पी लिख देता हूँ मैं। फिर उसके बाद वेलोसिटी की बात करते हैं, तो देखो ये वी पी अपन को दे ही रखा था अपन का क्या था, सी डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर था अपना वी पी है ना, डिवाइडेड बाई वी अल्फा क्या था बच्चों, ये अपन ने निकाला है सी डिवाइडेड बाई 40 और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, एम पी से एम पी अपना कैंसिल आउट हो ही जाता है, फिर उसके बाद इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आता है, ये तो 1/4 हो जाता है यहाँ से, तो है ना। और ये कितना आएगा देखो, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर मतलब 100, फिर डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 4 16 और 00, तो ये इस तरह से कुछ आ चुका है। तो 0 00 से 00 कैंसिल आउट, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट, और ये देखो ये 16 ऊपर पहुंचेगा, तो 16/4 मतलब एट द एंड आ जाता है 4:1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए यहाँ से, ऑप्शन 2 मस्ट बी करेक्ट, और यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।